सो गाइज, कॉमन एरर आपको मैं करा रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यू किरण की बुक से। आज हम लोग कॉमन एरर के पहुँच चुके हैं डे 8 पर, जहाँ हम लोग बात करेंगे आज 136 से आगे के कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आई फाउंड द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक। गाइज, आपको मैंने बताया है कि नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से, और एक कार्डिनल 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से। कभी भी अगर दोनों को एक साथ लगाना हो, ऑर्डिनल भी और कार्डिनल भी, तो पहले आपका ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद आपका कार्डिनल आएगा। सो गाइस, यहाँ पे पहले आपका ऑर्डिनल, उसके बाद में आपका कार्डिनल होना चाहिए था, तो यानी कि सेंटेंस में आपके दे दी गई है एरर। कौन से पार्ट में? सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे द फर्स्ट टू चैप्टर करना चाहिए था, नॉट द टू फर्स्ट। तो इसका सेकंड पार्ट आपका हो गया है पूरी तरह से रॉन्ग। गाइस, आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 137। कह रहा है कि बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। सो गाइस, यहाँ पे थर्स्ट ऑफ नॉलेज कह रहा है वो। तो यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, थर्स्ट आपका एक तरह से एज ए प्रपोजिशन यहाँ पे आ रहा है, तो थर्स्ट के साथ में हमें यहाँ पे एक कन्फर्म प्रपोजिशन ऑफ का, सॉरी फोर का इस्तेमाल करना होगा, नॉट ऑफ का, ऑफ तो उसने लगाया हुआ ही है। तो टी एच आई आर एस टी, थर्स्ट, फोर आपका होना चाहिए था तो करेक्ट होता गाइस यहाँ पे। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगी इसके सी पार्ट में, यानी कि थर्ड पार्ट में इसकी एरर हो जाएगी। ऑफ की जगह हमें यहाँ पे थर्स्ट फोर लगाना होगा। यस गाइस, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है। सेंटेंस नंबर 138 चेक करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। गाइस, यहाँ पे सेंटेंस कनेक्ट हुआ हमारा वैन से, और वैन से जब सेंटेंस कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे एक तरफ उसने बनाया परफेक्ट जो कि करेक्ट था, लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस हमारा इनडेफिनेट बनना चाहिए था सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड, नहीं व्हेन ही हैड रीच्ड, ओनली रीच्ड आप करेंगे, हेड आप यहाँ से हटा देंगे। एक तरफ परफेक्ट, दूसरी तरफ इंडेफिनेट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है गाइस। दोनों तरफ आप सेंटेंस को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। ओके गाइस, तो सेंटेंस में आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे एरर फिलहाल सेकंड पार्ट में। 139 क्या कह रहा है गाइस, उसको देखिएगा। कह रहा है कि ही सेड दैट ही विल। जी नहीं गाइस, विल यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ऐसे लाख तक भी यहाँ सेंटेंस में हमें विल की जगह लगाना होगा वुड। क्या लगाना होगा? वुड। यस गाइस, क्योंकि सेंटेंस में पहले से ही पास्ट आ रहा है सैड। तो गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में तो पूरा सेंटेंस चलेगा प्रेजेंट में ही, सेंटेंस चल रहा है अगर पास्ट में तो पूरा सेंटेंस चलेगा पास्ट में ही। तो ही सैड दैट ही वुड नेवर आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। 139 से देखिए गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है। 139 हो चुका है, 140 से देखिएगा। कह रहा है कि आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दिस डिफिकल्टीज। सो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में दो तरह की इससे एरर आती हैं, तो होता है आपका कोप अप विद और एक होता है कोप विद। क्या होता है? कोप विद, और एक आपका है कोप अप विद। सो गाइस, कोप अप विद जो है आपका, ये लगता है पर्सन के लिए, किसके लिए? पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। और कोप विद लगता है किसी कंडीशन के लिए, यस, किसी चीज़ से तालमेल बिठाना। तो यहाँ पे व्यक्ति का इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा है, आई एम एबल टू कोप अप विद नहीं, आई एम एबल टू कोप विद होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस में आपको सेकेंड पार्ट में दे दी गई है एरर। 141, आई विश आई एम। जी नहीं गाइस, आई विश आई एम नहीं, कभी भी अगर सेंटेंस में उसने लगाया हो इफ आई विश इस तरह के वर्डों को, तो आप जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ में वर प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे। आई विश आई एम नहीं, आई विश आई वर आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में दे दी गई है आपको एरर गाइस। यस, इसका फर्स्ट पार्ट ही हो जाएगा आपका एरर।
तो उसके फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे कह रहा है कि सेंटेंस में सी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल इन दिस टाइम। सो गाइस यहाँ पे इन दिस टाइम नहीं सॉरी दिस टाइम ही है 142। सो सी वॉज सी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सेंटेंस में कॉन्फिडेंट के साथ में सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी कॉन्फिडेंट के साथ में हमें फिक्स्ड पर्सन लगानी होती है ऑफ, और उसके साथ में लगाएंगे हम लोग जीरंड। क्या लगाएंगे? जीरंड यानी कि आई एन जी। तो ही सी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग होना चाहिए था, यानी कि इसका सेकंड पार्ट हो चुका है आपका पूरी तरह से रॉन्ग। अगला कह रहा है कि द बॉय लेड इन द शेल्टर, द बॉय लेड इन द शेल्टर। सो गाइस यहाँ पे द बॉय लेड इन द शेल्टर की जगह अच्छा होगा, मैंने आपको पहले बताया है सेंटेंस में कि जब भी सेंटेंस में लाई ले लिटिल और फ्यू, गाइज मैं आपको बता चुका हूँ कई बार ये बात, मैंने आपसे बताया सेंटेंस में गाइज कई बार, ज़रूरी नहीं है कि हर बार नॉलेज ही साथ दे, एक्सपीरियंस भी आपके साथ बहुत देता है गाइज, और वो एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते, जो हमने ले लिया है उसका लाभ उठाइए गाइज। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ले लाई लिटिल फ्यू दिखाई दे, समझ जाएँ गलती उसी पार्ट में ही है, चाहे आप उसको ठीक करें या ना करें। यहाँ पर लेड नहीं होना चाहिए था, लाई की सेकेंड फॉर्म को ले होना चाहिए था यहाँ पर, तो गाइज के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। 144 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेज बिलो वर हार्डली विजिबल। तो हिल के टॉप पर खड़े होने के बाद में घर जो है बड़े मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे। तो स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल बिल्कुल ठीक है, द हाउसेज बिलो वर हार्डली विजिबल। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, ये सेंटेंस आपका एरर मुक्त, यानी कि इसका हो जाएगा फोर्थ आंसर। 145 काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स बिल्कुल ठीक है, हु हैज़ ये हो गया रॉन्ग गाइस यहाँ पे, क्योंकि हु के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, और पिछले वाला सब्जेक्ट आपका प्लूरल है प्लेयर्स। सो गाइस प्लेयर्स को देखते हुए यहाँ पे हैज़ नहीं, हैव होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब जस्ट उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आया करती है, जैसा पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब होनी चाहिए। सो गाइस यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हुए हमें लगाना हु हैव नॉट हु हैज़ सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में दे दी गई है एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे, अभी और भी बहुत से सेंटेंस हैं। 146 से 155 तक आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर, कह रहा है क्या उसको देखिएगा, कह रहा है कि अ मोमेंट्स डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, अ मोमेंट डिले। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में पहले पार्ट में ही उसने लगाया मोमेंट जो कि एक नाउन है, डिले जो कि एक नाउन है, और गाइस मैं आपको बता चुका हूँ एक ही सेंटेंस में दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। यस गाइस अगर दो नाउन एक साथ हैं तो तरीका ठीक करने का क्या है, या तो पहले वाले में एपोस्ट्रोफे एस लगाइए, क्या लगाइए पहले वाले में एपोस्ट्रोफे एस, या फिर दूसरा नाउन पहले और पहला नाउन बाद में, और इस बीच ऑफ लगाइए। आ मोमेंट्स डिले आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के पहले पार्ट में मोमेंट में आपको एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करना था, जो मैंने आपको बताया अ मोमेंट्स डिले फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी आपके इसके एरर गाइस। आगे क्या कह रहा है गाइस उसको समझिएगा, बहुत शानदार एरर इसने आपको दी है। आपको कह रहा है कि राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर बिल्कुल ठीक है, एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ओपन। सो गाइस सेंटेंस चल रहा है पूरा पास्ट में, पहले डिसअपॉइंट दिया फिर डिड नॉट दिया, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है जैसा हमें चाहिए था। मैंने आपको कहा है अगर सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और अगर सेंटेंस चल रहा है पास्ट में तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा, यानी कि इस पार्ट में है ही नहीं कोई भी एरर, ये सेंटेंस होगा आपका नो एरर, इसका आंसर है आपका फोर्थ करेक्ट नॉट डी। 148 कह रहा है कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। सो गाइस यहाँ पे जब आप चेन्नई से आ जाएंगे तो मैं तुम्हें देखना होगा, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ पे एक कमाल की बात ये है कि सेंटेंस में डबल मॉडल लगाइए, एक तो विल यहाँ पर और एक विल यहाँ पर। मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस में आपको डबल मॉडल वर्ब दी हो, जब भी सेंटेंस में उसने आपको डबल मॉडल वर्ब दी हो, तो आप समझ जाएँ कि एरर आपकी मॉडल वर्ब में ही है। इस गाइस मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आपकी नहीं आ सकती, और अगर ऐसी स्थिति में है
तो आप ये 11 वर्ड सुन लीजिएगा मेरे मुंह से, आप इन 11 वर्ड के बाद वाली मॉडल वर्ब हमेशा हटाएंगे इफ अनलेस अनटिल इन केस प्रोवाइडेड वेदर एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज व्हेन बिफोर आफ्टर। इनके बाद वाली मॉडल वर्ब आप हमेशा हटा देंगे। यहाँ पर यही होगा गाइज, आफ्टर के बाद वाली जो मॉडल वर्ब है आफ्टर यू विल रिटर्न नहीं, आफ्टर यू रिटर्न होना चाहिए था, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। आगे बढ़िए गाइज, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 149। कह रहा है कि सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड। सो गाइज यहाँ पे सेंसर्ड की जो स्पेलिंग उसने लिखी है वो रॉन्ग है, सेंसर की स्पेलिंग होनी चाहिए CENSORED, सेंसर्ड। यस गाइज, तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। आगे देखिएगा 150 से, 150 सेंटेंस में कह रहा है कि व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। तो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि जब मेरी बहन बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल जाया करता था अल्टरनेटिव डेज पर। तो गाइज यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं, ऑन अल्टरनेट डेज होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अल्टरनेटिव जो है आपका एक एडजेक्टिव है, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे अल्टरनेट आप करें जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यस गाइस, सो अल्टरनेट इसका कौन जाएगा आंसर, यानी कि इस सेंटेंस में हो जाएगी आपके थर्ड पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस यानी कि जो मेरे आसपास का ब्यूटीफुल सराउंडिंग है गाइस, मैं आपको बता दूँ पहली बात तो यही कि सराउंडिंग जो वर्ड है SURROUNDING, इसके साथ में एस हमेशा आया करता है, नॉट सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स ये वर्ड है आपका, सराउंडिंग वर्ड ही नहीं है। सो गाइज इस सेंटेंस में आपको वर्ड को लेकर के दी गई है प्रॉब्लम, यानी कि इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। गाइज मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी हमारे AGE वाले नाउन हैं, लगेज बैगेज होमेज रैकेज डैमेज, जितने भी हमारे AGE वाले नाउन हैं इनके साथ में एस या ES का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इनसे पहले ए या एन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में लगेजेस नहीं, आपको लगेज करना होगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। अगला देखिएगा, कह रहा है कि ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ वर्क। अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस इसका आया था, मैंने आपको बताया है कोप विद व्यक्ति के लिए नहीं किसी कंडीशन के लिए, और कोप अप विद किसी व्यक्ति के लिए। तो गाइस यहाँ पे कोप अप विद नहीं, ओनली कोप विद कीजिएगा, कोप विद किसी बिहेव के लिए कंडीशन के लिए किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन कोप अप विद आपका लगता है सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में इसकी एरर हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा इस क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। सो गाइस सेंटेंस नंबर 154 देखिएगा, कह रहा है कि लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। सो गाइस यहाँ पे आई सर्जरी नहीं, ओनली आई सर्जरी होना चाहिए था गाइस, यहाँ पर उसने कहा आई सर्जरी, जो कि होना चाहिए था आई सर्जरी, क्योंकि यहाँ पे आई एज ए एडजेक्टिव काम करेगा और सर्जरी एज ए नाउन, जो कि सही रहेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे आई सर्जरी का इस्तेमाल करेंगे। यस गाइस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 155 सेंटेंस कह रहा है आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस सिचुएशन। आई टेक ग्रेट प्लेजर ठीक है, टू वेलकम यू ये पोर्शन भी ठीक है, टू दिस इंस्टीट्यूशन यानी सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 156 से आगे के सेंटेंस, SSC टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज विभाग में आए हुए 2008 में। कह रहा है कि द होल कंट्री वो सफरिंग। गाइस मैं आपको बता चुका हूँ सफ़र के साथ में हम लोग हमेशा फ्रोम यानी कि फिक्स प्रपोजिशन फ्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सफरिंग बाय नहीं, सफरिंग फ्रॉम आपका होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका सेकंड पार्ट में हो जाएगी एरर। 157 कह रहा है आई डू नॉट नो वेयर कुड ही। गाइस मैं आपको बता चुका हूँ जब भी सेंटेंस में WH फैमिली बीच में आएगी
तो उसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन ना खड़ा हो। ऐसी स्थिति में अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो इसे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कहा जाएगा जो कि रोंग है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सेंटेंस में WH फैमिली को शुरू में लेना होगा, बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में ही इस WH फैमिली बीच में आई है, तो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर हुआ रोंग। आपको करना होगा आई डो नॉट नो वेयर ही कुड हैव गोन, यानी कि सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर। 158 कह रहे कि आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। गाइस सेंटेंस कंडीशनल है। आई सजेस्ट दैट ही विल गो, इस गाइस ही विल गो टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में गोज की जगह हमें करना होगा विल गो, यस गाइस, तो सेंटेंस होगा करेक्ट। 159 सेंटेंस क्या कह रहा है गाइस, उसको सुनिएगा। कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हैव नहीं, हैज बीन होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है द इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन। और मैं आपको बता चुका हूँ प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम कुछ नहीं मानते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कैफे एंड सच अदर बीवरेजेज हैव नहीं, हैज़, क्योंकि इंट्रोडक्शन को सिंगुलर है, उसके लिए हमें हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 160 इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलो अस एंटर, नहीं टू एंटर, गाइज क्योंकि यहाँ पे ये पढ़ने में ही हमें अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी वर्ब से वर्ब को जुड़ने का काम हमारा करता है टू। सो गाइज इस सेंटेंस में थर्ड पार्ट में घुसते ही एरर हो गई है, टू एंटर आपका होना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है। 161 सेंटेंस में कह रहा है कि द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉशेज द क्लोज फास्टर। सो गाइज न्यूअर नहीं, आप इसे न्यू कीजिएगा ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर इसे कीजिएगा लेटेस्ट। क्या कीजिएगा? लेटेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल नवीनतम, जिसके जैसे अभी दूसरी कोई आई ही ना हो, या फिर न्यू, नॉट न्यूअर। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन नहीं, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन या फिर द लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन होना चाहिए था आपका, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपकी डिग्री, बिकॉज न्यू का कंपैरेटिव आप नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाय द टाइम वी गोट ओवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया ऑलरेडी का, मैं आपको बता चुका हूँ जब भी सेंटेंस में आपका ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली और बहुत सारे वर्ड हैं, जस्ट नाउ। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस बनता है हमारा परफेक्ट। क्या बनता है? परफेक्ट, यानी कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, तो हैज़ हैव नहीं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमारा होना चाहिए था। By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show had already begun. So guys, sentence के third part में हो गई है इसके error. 163. Each of the students in a computer class has to type their own research paper this semester. So guys, यहाँ पे sentence में अगर मैं बात करूँ, each of, मैंने आपको बताया कि of के बाद हमेशा plural noun आया करता है, और प्रपोजिशन के बाद वाले को हम कुछ मानते भी नहीं हैं, तो ऑफ द स्टूडेंट खत्म हो जाएगा आपके यहाँ से, इन द कंप्यूटर क्लास भी खत्म हो जाएगा, वर्ब आपके आएगी ईच के हिसाब से। और मैंने आपको बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नैदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, जितने भी हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आया करती है जो कि दे रखी है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर की गुंजाइश नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, करेक्ट। आगे बढ़िएगा। 164 कह रहा है कि द फैक्ट ऑफ मी बींग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। सो द फैक्ट ऑफ मी नहीं, माई आपका यहाँ होना चाहिए था। गाइज ये बात सत्य है कि आप यहाँ पे ऑफ देख रहे हैं जो कि एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो आपने पढ़ा और दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, आपको यहाँ पे आगे जिरंड दी गई है, और जिरंड से पहले आपका पजेसिव केस आना चाहिए, ये भी एक रूल है। तो जिरंड को देखते हुए हमारा यहाँ होना चाहिए था पजेसिव केस। तो जिरण को देखते हुए हमें यहाँ पर मी की जगह करना होगा माई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिरण से पहले हमेशा
पजेसिव की सहायक करता है, इसके पहले पार्ट में हो गई आपकी मिस्टेक। कह रहा है कि द सी लुक्स एज इफ इट हैज़ बीन एगिटेटेड बाय अ स्टॉर्म। गैस मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, अगर सेंटेंस में इफ विश एज इफ इस तरह के सेंटेंसेस का मैंने इस्तेमाल किया हो तो आप इनके बाद वाला पार्ट हमेशा पास्ट में ही बनाएंगे। एज इफ इट हैज़ नहीं, इट हैड होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। आगे बढ़ते हैं गाइज, 166 टू 170 तक के पोर्शन करते हैं और फिर अपनी बात को हम यहाँ पर देंगे विराम। कह रहा है कि अ वराइटी ऑफ प्लेजेंट आइटम इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी। बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, जो आपको भी पता है इस गाइज। तो यहाँ पे ऑफ प्लेजेंट आइटम आपका ख़त्म हो जाएगा और इन द शॉप भी आपका हो जाएगा ख़त्म। सो गाइज यहाँ पे अ वैरायटी जो कि सिंगुलर है उसके लिए हमें लगानी होगी सिंगुलर ही वर्ब। यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं, आपका होना चाहिए अट्रैक्ट्स। क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट्स। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में सेकंड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। लेकिन यहाँ मैं फिर बता दूँ बच्चों, बुक ने कहा है इसको नो एरर, और अगर कोई बच्चा बुक के भरोसे बैठा हुआ है तो यहाँ उसका ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और साथ साथ क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, वो इस रूल को भी याद कर लेगा कि शायद अ वैरायटी के साथ में हमेशा प्लूरल ही वर्ब आएगी, या जो भी बुक ने दिया होगा वो उसको ही मानेगा। लेकिन क्या यहाँ पे सेकंड पार्ट में हो गई आपके एरर, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बुक में बहुत सारे मिस्टेक दी गई हैं। आप लोग मेरे द्वारा किसी वीडियो का सहारा लें या फिर मेरे जैसे किसी टीचर का सहारा लीजिएगा तो ही आपका भला होगा, वरना बुक के भरोसे आपके काफ़ी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है कि द टेबल्स लैग। गैस मैंने आपको बताया है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ उसने यही किया, द टेबल्स लैग्स कहा, जो कि रॉन्ग है। हमें करना था द लैग्स ऑफ टेबल, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही हो गई है आपके एरर। आगे कह रहा है द सीनरीज। गाइज जो शब्द खुद किसी और से बने हों, जैसे कि सीन से बना है आपका सीनरी, पोएट से बना है आपका पोएट्री, मशीन से बना है आपका मशीनरी, ज्वेल से बना है आपका ज्वेलरी, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, उनमें कभी भी प्लूरल नहीं बनाया करते। तो सीनरीज नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, हमें यहाँ पे इसे रखना होगा सीनरी ही, तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा। इसके पहले पार्ट में हो गई है एरर। आगे क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। कह रहा है कि आई वुड अप्रिसिएट इफ रीडर्स पुट, ये तो साफ दिख रहा है एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ सेंटेंस में आई वुड अप्रिसिएट इफ रीडर्स वुड, यहाँ पे ये वाला वुड नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो इफ अनलेस अनटिल इन केस प्रोवाइडेड एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज बिफोर व्हेन आफ्टर वेदर, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटा दी जाती है, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है एरर। नेदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सैड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। सो गाइस नेदर का इस्तेमाल दो के लिए ही किया जाता है, जो कि ठीक किया उसने यहाँ पे। लेकिन गाइस मैं फिर बता दूँ, बुक के अंदर उसने कहा है नो एरर, यहाँ पर उसने फिर से एक गलती दे दी आपको और आपको फिर से बेवकूफ़ बन सकते हैं, जबकि यहाँ पर मिस्टेक है सेकंड पार्ट में देयर की जगह आपका होना चाहिए था हिज या हर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी सेंटेंस की शुरुआत आपके ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनी वन एनी बडी नो बडी सम बडी इनमें किसी से भी होगी तो आप पजेसिव क्वेज हिज या हर में से कोई एक लगाएंगे, देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ फिर से एक बार गलती है बुक के अंदर, इसके सेकेंड पार्ट में है आपकी एरर। ओके गाइज तो अपनी बात को आज यहीं विराम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 170 तक ही, 171 से 1200 तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।